नमस्ते एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ चिकन स्किन, यानी कि चिकन की जो स्किन होती है वो हमारी आँखों के नीचे वाले एरिया पे आ जाती है। इस प्रॉब्लम होने की कोई एक स्पेसिफिक एज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप जब ओल्ड हो रहे हो तो ही आपको ये प्रॉब्लम आएगी। टीन एजर्स को भी ये प्रॉब्लम आती है, पीपल हु आर इन देयर ट्वेंटीज़, मेल फीमेल सबको ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों होती है ये प्रॉब्लम और इसका क्या तरीका है कि किस तरीके से हम होम रेमेडीज़ करके इसको ठीक कर पाएँ। होम रेमेडीज़ क्या हैं? बहुत सिंपल हैं। सो चिकन स्किन होती क्यों है? चिकन स्किन होती है हमारे आइज़ के इस वाले पार्ट में स्पेसिफिकली, और इस वाले पार्ट में हमारे होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्किन की इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पर हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और क्या होता है कि एक्सेस केराटिन जो प्रोटीन है जब हमारी बॉडी में ज़्यादा बनने लग जाता है तो वो आपके जो स्किन के ऊपर हेयर है ना, पूरे फेस पे कह लो, बॉडी पे कह लो, स्पेशली इस एरिया पे, यहाँ पे जो हेयर हैं स्किन के ऊपर बहुत माइन्यूट छोटे छोटे से हेयर हैं जो आपको नहीं दिखते हैं और हमें लगता है भी नहीं, बट वो जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनका जो माउथ होता है उसके ऊपर केराटिन का जो प्रोटीन है वो जमना शुरू हो जाता है, वो अक्यूमुलेट हो जाता है और वो फॉलिकल्स का जो माउथ की ओपनिंग है उसको बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से जब वहाँ प्रोटीन जमने लगेगा तो वो चिकन की स्किन से छोटे छोटे ऐसे बम्प की तरह ना यहाँ पर ऐसे बनने शुरू हो जाते हैं। मैं मिलिया की बात नहीं कर रही हूँ, मिलिया इज़ समथिंग एल्स। वो वाइट कलर के छोटे छोटे बम्प होते हैं जो ज़्यादा बड़े दिखते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। चिकन स्किन होती है बहुत बारीक। आपने अगर किसी चिकन को ध्यान से देखा हो तो आपको पता होगा कि कैसे दानेदार, जैसे सैंड पेपर होता है ना, रफ़ एंड दानेदार। आप उसको छुओगी ना इसको उस स्किन को तो भी आपको समझ आएगा कि वो रफ़ है, दानेदार है, तो वो उस फॉर्म में बन जाते हैं। नाउ हम बात करेंगे कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल दो रेमेडी हैं जो आप अगर रेगुलरली करोगे आपको डे वन से ही फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। सो नंबर वन इज़ सॉल्ट वाटर स्क्रब। दो चम्मच पानी लो, उसमें आप दो चम्मच नमक डाल लो, उसमें आप दो चम्मच नमक डाल लो, दो चम्मच नहीं स्टूपिड, दो चुटकी नॉर्मल जो घर में नमक आपका होता है कुकिंग सॉल्ट वो आप डालो, उसको अच्छे से मिक्स कर लो पानी में, रिंग फिंगर लो, पानी में डिप करो और इस एरिया को आपको उससे स्क्रब करना है ना। उसको जरूर जोर जोर से ऐसे रगड़ के स्क्रब नहीं करना है कि मेरे को ये स्किन आज ही गायब चाहिए तो मैं बस इसको घिस के हटा दूँ। ज़्यादा स्क्रब करोगे तो स्किन ख़राब हो जाएगी, तो बहुत सॉफ्टली आप पानी में डिप करो और जिस एरिया पे आपको चिकन स्किन की प्रॉब्लम है उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप उसको हल्का सा स्क्रब करो 30 सेकंड्स के लिए। दैट्स इट, ओनली 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में आप इमेजिन कर लो कितने स्ट्रोक्स आपके जाएंगे। मैं अगर फास्ट फास्ट भी करूँ तो 30 तो जाएंगी। 30 स्ट्रोक्स कर लिए, नॉर्मल पानी से वॉश कर लो और अपना मॉइस्चराइजर लगा लो। नाउ सेकेंड रेमेडी, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 50% कोकोनट ऑयल, 50% आलमंड ऑयल, दोनों को मिक्स करके बना के रख लो। रात को सोने से पहले रिंग फिंगर में दो चार बूंदे लो उस ऑयल की और अच्छे से इस एरिया का मसाज करनी है 1 से 2 मिनट के लिए सोने से पहले, और उसको लगा रहने दो, सो जाओ। ये दोनों इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है ना, चिकन स्किन हो, डार्क स्पॉट्स हो, अंडर आई बैग्स हो, पफिनेस हो, साइड में यहाँ रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं एज की वजह से, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी ऑयल से। और अगर चिकन स्किन है तो उसके लिए सॉल्ट वाटर स्क्रब करना भी ज़रूरी है। तो आप 30 सेकेंड मॉर्निंग में और 30 सेकेंड आप इवनिंग में सॉल्ट वाटर स्क्रब डेली करोगे। कोकोनट और आलमंड ऑयल जो मिला के रखने वाली जो रेमेडी है ना, उसकी तो मैं गाइस गारंटी ले सकती हूँ। मेरे चैनल पे मैंने जब रिसेंटली ये शेयर किया था तो दूसरे दिन ही उस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट आए थे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने उसे डे वन से लगाना शुरू किया, और एक ने तो मुझे ये भी लिखा था कि दी आज मेरा सेकेंड डे है और 2 दिन लगाने के बाद ही जो नीचे वाली चिकन स्किन थी वो ऑलमोस्ट सॉफ्ट होती जा रही है, डिजॉल्व होते जो छोटे छोटे बम्प्स थे वो डिजॉल्व होते जा रहे हैं। सो सिंपल, सिर्फ ऑयल लगाना है रात को सोने से पहले और 30 सेकेंड सुबह, 30 सेकेंड शाम को, रात को जब भी आपको सॉल्ट वाटर स्क्रब करना है, नमक के पानी से इस एरिया को हल्का सा बहुत लाइटली फिंगर से स्क्रब करना है, पानी से धो के अपना मॉइस्चराइजर लगा लो या फिर जो हमने ऑयल बनाया है वो भी लगा सकते हो। सो बस ये दो रेमेडीज़ करो आप, और आप नोटिस करोगे कि
अब डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज़्यादा पुरानी या कितने ज़्यादा चिकन स्किन है, कितने ज़्यादा उसमें यू नो वो छोटे छोटे बम्स हैं। जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितने कम है उतना जल्दी आपका यू नो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। सो आई होप आपको ये रेमेडी फ़ायदा करेगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।